हाय गाइस, दिस इज विंध्या तिवारी एंड आप सबको पता है कि मैं किसी भी ब्रांड के बारे में तब तक बात नहीं करती जब तक मैं उस ब्रांड के बारे में बिलीव नहीं करती. एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बात करूंगी आज, और ये स्पेशली मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज इस प्रोडक्ट को मैंने 2 महीने यूज़ किया है और इसका रिजल्ट बहुत 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 अमेजिंग है. तो मुझे लगा कि प्रोडक्ट्स लाइक दीज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड सो दैट हम जो भी पैसे फालतू वेस्ट करते हैं वो ना करें और सही जगह पे अच्छे प्रोडक्ट लें. सो बेसिकली दिस इज एटमी पोमोग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली, जो कि बेसिकली अगर आप इसको रोज एक लेते हैं तो ये 10 पोमोग्रेनेट यानी अनार के मुकाबले है. एंड इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी खूबियाँ हैं इसके अंदर. एक्चुअली मुझे कोरोना हो गया था और तभी मेरे एक फ्रेंड है वैभव, उन्होंने ये प्रोडक्ट मुझे इंट्रोड्यूस किया क्योंकि मैं काफ़ी वीक हो गई थी और मेरी स्किन आउटसाइड भी बहुत ड्राई हो गई थी और अंदर से भी मुझे बहुत वीकनेस लगती थी. ऑफकोर्स कोरोना का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है. सो ये मैंने स्टार्ट किया है लेना. एक्चुअली ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप इसे एक खाते हैं तो इसका मतलब है कि 10 अनार के जो गुड़ हैं वो आपको एक सैशे में मिलता है. और ये इन लोगों ने मुझे काफ़ी भेजा है और मैं रोज़ एक खाती हूँ तो भी काफ़ी टाइम हो गया मुझे खाते हुए. सो द रिजल्ट इज फैंटास्टिक. एंड देन आई विल टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट जिसके लिए मैं यू नो आपको बोलूँगी दैट आई रियली रियली हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट. आप देख सकते हैं मैंने अभी बहुत ज़्यादा मेकअप बिल्कुल नहीं किया है क्योंकि मेरी स्किन एक्चुअली में पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है एंड ऑल थैंक्स टू दिस प्रोडक्ट. आई विल शो यू व्हाट इट हैज़. सो बेसिकली दे हैव दिस, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प हुई, मुझे समझ में आया कि यू नो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें. ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ द टोनर जो मैं अप्लाई करती हूँ. मेरी थोड़े ओपन पोर्स हैं और यू नो 2-3 यू नो ऐसे चिकन पॉक्स के छोटे छोटे निशान हैं, तो ये बहुत अच्छा है उसके लिए. आपकी स्किन को काफ़ी ये यू नो जो भी आपकी डर्ट है इम्प्योरिटीज़ है उसको निकालता है. तो ये फेम टोनर पहले यूज़ करते हैं कॉटन पैड के साथ, उसके बाद अभी मुझे याद हो गया है पहले तो मैं इस पर से देख कर पढ़ती थी बट देन या देन द सेकेंड वन इज़ दिस एसेंस जो बहुत अच्छा है. बहुत थिन लेयर लगाना होता है पूरे फेस पे, देन उसके थोड़ी देर के बाद में ये लोशन लगाना होता है. और ये लोशन एक्चुअली दिन में 2 बार लगाना होता है, एक बार लगा लिया जैसे सुबह उठ के लगा लिया, देन अगेन फिर ये लगाना होता है. तो आप देखोगे धीरे धीरे सब लोग आपसे पूछना शुरू करेंगे कि ये तुम्हारे चेहरे पे ना एक शाइन कैसे आ रही है, एक शीन वाली जो शाइन होती है ना वो कैसे आ रही है, वो भी विदाउट मेकअप. इट्स बिकॉज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. देन दे हैव दिस आई केयर क्रीम विच इज़ वेरी वेरी गुड, मतलब आँखों के नीचे सारे फाइन लाइन्स थिन लाइन्स जो भी है ना सब निकल जाएंगे. इट्स रियली अमेजिंग एंड दिस इज लाइक वाओ प्रोडक्ट. ये न्यूट्रिशन क्रीम है जो कि रात को इसे लगाते हैं फेस वॉश करके, सिर्फ इसको लगा लीजिए जब आप सुबह उठते हैं. Oh my God, I look so pretty. मेरी नोज शाइन कर रही होती है, मेरी चीक्स शाइन कर रही होती है और एक्चुअली अब मुझे मेकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड ऑल थैंक्स टू दिस प्रोडक्ट. मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही, आई एम नॉट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, आई रियली मीन इट. दिस प्रोडक्ट इज़ रियली रियली गुड. थोड़ा एक्सपेंसिव है बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और आपके सारे के सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं हर तरीके की वो अगर सॉल्व करती है प्रोडक्ट, तो अगर प्रोडक्ट एक्सपेंसिव भी है तो कोई बात नहीं बिकॉज हम सब एक ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे एट वन गो. सो दिस इज इट, दिस इज द प्रोडक्ट एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि मैं इतने अच्छे प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कर रही हूँ. इट रियली हेल्प मी एंड आई विश एंड होप कि ये प्रोडक्ट आप भी यूज करें एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट हाउ गुड इट इज. सो वेयर इज द जेली? मैं ऑलरेडी ये जेली खा चुकी हूँ, आज का मेरा छोटा पूरा हो चुका है तो ये जल्दी मैं खा चुकी हूँ, लेकिन दिस इज रियली गुड. सो गो फॉर इट गाइस, आई हाईली रिकमेंड.